दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा, आज हम जानेंगे कि कौन सी टीपी डालने पे हमें ज़्यादा सिग्नल प्राप्त होंगे या किस सीएलएमबी फ्रीक्वेंसी को डीडी फ्री डिस्क के बॉक्स में डालने से हमें सबसे ज़्यादा चैनल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने डीडी फ्री डिस्क का बॉक्स लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे मेनू बटन प्रेस करेंगे और हमें दोस्तों क्या करना है, हमें प्रोग्राम सेटअप पे आना है। प्रोग्राम सेटअप पे हम आके ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम एडिट एलएनबी फ्रीक्वेंसी पे ओके करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इस तरह से इसमें से पहले से जो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी सेट है 0.5150 वो हमें यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों हम यहां से बैक होते हैं और बैक होने के बाद में हम दोस्तों ऑटो स्कैन का बटन प्रेस करेंगे। अब यहां पे हमारी जो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे शो कर रही है। अब दोस्तों हम इसकी जगह पे नई फ्रीक्वेंसी डालेंगे 0.5750 और 10,600। चलिए दोस्तों, हम ये नई फ्रीक्वेंसी डी डी फ्री डिस्क बॉक्स में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसको हम ओके कर देंगे और हमारे चैनल स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारा बॉक्स जो है चैनल को स्कैन कर रहा है। हम देखते हैं कि इसमें कितने चैनल आएंगे। ये देखिए दोस्तों, 60% हो चुका है, अभी भी कोई चैनल नहीं आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा 100% हो गया है लेकिन कोई भी चैनल नहीं आया है। अब हम दोस्तों बैक चलते हैं और हम इसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी डालेंगे। चलिए दोस्तों, हम अगली फ्रीक्वेंसी इसमें डाल रहे हैं। दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों हम पहली फ्रीक्वेंसी 91.50 और दूसरी फ्रीक्वेंसी 97.50 डालने के बाद दोस्तों हम ऑटो स्कैन पर ओके कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी स्कैनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अधिक समय ना देना पड़े। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे बॉक्स में अभी तक एक भी चैनल नहीं आया हुआ है। और ये दोस्तों देखिए आप, ये हमारा 100% हो चुका है। अब हम दोस्तों फिर से ऑटो स्कैन करेंगे इसका और नई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दोस्तों हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी है 0.5150 और 0.5150, इसी के ऊपर दोस्तों हम स्कैन करेंगे। ये हमारा स्कैनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों हमारे टीवी में कितने चैनल स्कैन होते हैं। दोस्तों अगर आपके टीवी में भी अगर कम चैनल आए तो आप जो है ये फ्रीक्वेंसी नोट कर लें किसी डायरी के ऊपर और अपने बॉक्स में इसको अलग से ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल आना स्टार्ट हो चुके हैं और अभी टोटल जो है 36 चैनल आ चुके हैं। ये हमारे दोस्तों 37-30 टीपी के चैनल हैं और दूसरी हमारी टीपी जो है 33-90 भी स्कैन हो रही है और ये अगली हमारी 33-50 टीपी जो है वो भी स्कैन हो चुकी है। टोटल दोस्तों हमारे चैनल 94 आए हुए हैं। अब दोस्तों हम एलएमबी फ्रीक्वेंसी 97.50 और 0.5750 को डाल करके चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें से चैनल कितने आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं। अभी दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी आपके आँखों के सामने हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैंने ओके कर दिया है और हमारे चैनल स्कैन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों जो हमारी पहली टीपी है 11090 वो स्कैन होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, 11090 स्कैन हो रही है। और हमारी दूसरी टीपी जो है 11170 वो भी स्कैन हो रही है। और तीसरी टीपी हमारी स्टार्ट हो चुकी होने वाली है 11470। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा स्कैन हो चुका है। अब अगली टीपी 11510 और इसके बाद दोस्तों लास्ट टीपी हमारी जो है 11550। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे 94 ही चैनल आए हुए हैं। हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 97.050 डालें या 51.50 डालें, चैनल दोस्तों 94 ही आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।